नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजिंक्य, आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। आज हम आए हैं टाटा मोटर्स के ऑथराइज सर्विस स्टेशन में ये देखने के लिए कि टाटा की जो एस ईवी है, यानी कि छोटा हाथी इलेक्ट्रिक, जो आपने हमारे चैनल पर बहुत बार देखा होगा, उसकी सर्विसिंग कैसी होती है। तो ये वीडियो है ना, कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। एंड अगर आप एक गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस गाड़ी की सर्विसिंग कैसे होती है। एक सभी के दिमाग में सवाल होता है कि भाई ईवी का सर्विसिंग कैसे किया जाता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम आए हैं टाटा मोटर्स के ऑथोराइज सर्विस स्टेशन, यानी कि कमल मोटर्स, जो कि लोकेटेड है भिवंडी थाने सिटी में, सर के साथ। सर, पहले आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए व्यूअर्स को। हाय, मेरा नाम कृष्णकांत संतोष पावसकर है। मैं कमल मोटर्स में एज अ सर्विस एडवाइजर काम देखता हूँ। यहाँ पे ईवी गाड़ियों का काम स्पेशली सेपरेट वे में होता है। टाटा मोटर्स ने हर एक डीलरशिप में ईवी का अलग से एक सेपरेट बे दिया है, तो वही बे में उनका सेपरेटली काम होता है। सेपरेट टेक्नीशियन है, उसके लिए सेपरेट सर्विस एडवाइजर टाटा मोटर्स ने दिया है। तो ईवी के कस्टमर्स के लिए सेपरेट बे यहाँ पर टाटा मोटर्स के हर एक ऑथराइज सर्विस सेंटर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो एक काफ़ी बढ़िया बात है। एंड तो ईवी का कस्टमर जब गाड़ी लेके आते हैं, मतलब ईवी जब यहाँ पे आते हैं, तो आपका क्या प्रोसीजर क्या है, गाड़ी में सर्विस कैसे करवाते हो आप? पहले तो गेट पे एंट्री होता है गाड़ी का, उसके बाद गाड़ी का इन्वेंटरी लिया जाता है, उसके बाद हम कस्टमर को ग्रीट करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, उसके बाद कस्टमर से बातचीत करके गाड़ियों में क्या कुछ दिक्कत है क्या उसके बारे में मालूम करके लेते हैं कस्टमर से। गाड़ी का एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं गाड़ी बे में लगाने के पहला, उसके बाद में कस्टमर के साथ ट्रायल लेने होने के बाद गाड़ी का एंट्री करके गाड़ी का जॉकपॉट ओपन कर लेते हैं हम। उसके बाद में गाड़ी पे टेक्नीशियन को अलर्ट करते हैं, उसके बाद में गाड़ी का काम चालू हो जाता है। तो काफ़ी गहराई से जो है यहाँ पर इस ईवी के कस्टमर्स पर ध्यान दिया जाता है। तो सर, आ जाते गाड़ी पर, तो क्या क्या, मतलब ईवी के सर्विस में क्या क्या देखा जाता है एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन गाड़ी के सर्विस के बारे में बात करेंगे। गाड़ी का टोटली टाटा मोटर्स थ्री सर्विस दिया है। फर्स्ट सर्विस का भी है 2500 किलोमीटर या तो दो महीना रहता है। सेकेंड सर्विस भी रहता है गाड़ी का 10,000 किलोमीटर नहीं तो 6 महीना रहता है। और गाड़ी का थर्ड और लास्ट सर्विस का ड्यू रहता है 20,000 किलोमीटर नहीं तो 1 साल का। ओके। और स्पेशली ये गाड़ियों में जब गाड़ी छोटी सर्विस के लिए आती है, तो गाड़ी में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायग्नोसिस करते हैं, लैपटॉप डायग्नोसिस करते हैं, उसमें हर एक इलेक्ट्रिकल टर्न को चेक किया जाता है, हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को उसका कनेक्शन चेक किया जाता है। उसके साथ साथ गाड़ी का कूलेंट लेवल, ब्रेक ऑयल का लेवल, उसके साथ हर एक गाड़ी का मैकेनिकल कंपोनेंट हम चेक कर लेते हैं। और उसके साथ साथ काम होने के बाद गाड़ी को टेस्टर किया जाता है, उसके बाद में गाड़ी को क्वालिटी चेक करके कस्टमर को हैंडओवर किया जाता है। तो ये सब जो स्टेप्स है वो किए जाते हैं जब आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में कदम रखती है। तो आइए आगे वीडियो में चलते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आइए हम अभी टेक्नीशियन से बात करेंगे और जानेंगे सर्विस में गाड़ियों में क्या क्या काम किया जाता है। नमस्कार, मैं अक्षय पोद्दार, कमल मोटर टाटा मोटर्स में सर्विस सेंटर में काम करता हूँ। एसीवी के सर्विसिंग के दौरान सबसे मेन चीज, जैसे आप टेक्नीशियन हो तो आपको सबसे ज्यादा नॉलेज होगा इसके बारे में, तो कौन सी चीजें जो आप ध्यान रखते हैं, कौन सा प्रोसीजर जो आप फॉलो करते हैं यहाँ पर? गाड़ी अपने कंपनी में जब एंट्री होती है तो अपन पहले गाड़ी का पूरा जनरल चेकअप करते हैं, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, बाकी जो भी सेंसर का सॉकेट वगैरह है, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसको सब चेक करके, और मैकेनिकल पार्ट्स हो जो ब्रेक पैड वगैरह सब जनरल चेकअप करके, चार्जिंग कैसे हो रहा है सब चेक करते हैं। मतलब बेसिक जो हेडलैम्प टेल लैम्प के बल्ब से वो इंडिकेटर्स वगैरह वो आप चेक करते हो। हाँ। उसके बाद सेकंड प्रोसीजर क्या होता है फिर? उसके बाद में ओबीडी लैपटॉप कनेक्ट करके ओबीडी टेस्ट करते हैं, कौन सा एरर कोड है तो उसके ऊपर काम करते हैं। वो एक चीज आप बता रहे थे कि जब कुछ एरर शो करता है लैपटॉप में, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमको। हाँ, जो भी एरर शो करता है तो अपन उसको लैपटॉप डायग्नोसिस करते हो, उसको ओपीडी टेस्ट बोलते हैं। जो भी एरर कोड है तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन में जाके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, तो उसको सॉल्यूशन करके गाड़ी रेडी करते हैं। पूरा एरर वीरर जो भी है वो सॉल्व करने के बाद ही गाड़ी कस्टमर को हैंडओवर की जाती है। की जाती है। और हैंडओवर करने से पहले आप आपके लेवल पे भी एक ट्रायल उसका लेते हो। हाँ। तो ट्रायल मतलब कहाँ पे, बाहर रोड पे लेते हो, कितना डिस्टेंस होता है उसका? रोड टेस्ट लेते हैं सर। रोड टेस्ट लेते हैं 2 किलोमीटर सर। ओके, ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ अक्षय सर, जो यहाँ पर टेक्नीशियन का काम करते हैं। तो आइए फिर से चलते हैं कृष्णा सर के पास और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सर जी, कस्टमर यहाँ पर गाड़ी लेके आते हैं, तो उनको अप्रोक्सीमेटली कितने समय में आप गाड़ी दे देते हो?
सर अगर कस्टमर यहाँ पे आता है तो एक्सेसिबिलिटी उधर 3 से 4 घंटे में उनको गाड़ी दे देते। 3 से 4 घंटे में दोस्तों ईवीज के लिए जो है गाड़ी आसानी से मिल जाती है। एंड यहाँ पर कस्टमर्स के लिए क्या क्या सुविधा आपकी ओर से अवेलेबल है? सर है ना यहाँ पे कस्टमर के लिए वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन की सुविधा है और इसके साथ साथ ड्राइवर्स के लिए रेस्ट रूम है। सोने की भी सुविधा है, उसके साथ साथ उधर भी टेलीविजन की सुविधा है एंटरटेनमेंट के लिए। यानी कि कस्टमर जब यहाँ पर गाड़ी लेके आते हैं तो गाड़ी यहाँ पर सर्विस होते होते वो यहाँ पर वेटिंग एरिया में जो है वेट कर सकते हैं, तब तक 4 घंटे के अंदर जो उनकी गाड़ी कंपनी सर्विस करके वापस कर देगी दोस्तों। तो ये थे कृष्णा सर जो कमल मोटर्स जो कि भिवंडी में स्थित एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर है टाटा मोटर्स का। तो यहाँ पर कृष्णा सर जो है सर्विस एडवाइजर का जो है काम करते हैं। जब आप आपकी ईवी गाड़ी यहाँ पर लेके आएंगे तो आप कृष्णा सर से ज़रूर मुलाकात करेंगे। एंड आपने इस वीडियो में जाना कि एसीबी की सर्विस कितनी डेडिकेटेडली और कितनी आसानी से की जाती है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे ट्रक टॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।